हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महिंद्रा की थार। इस वीडियो में मैं आपको पूरी वीडियो में बना रहा हूँ महिंद्रा थार के ऊपर। गाड़ी के लिए लोग 1.5 लाख रुपए डीलरशिप को देते हैं प्रीमियम। जैसे कि हमें पता है कि इस गाड़ी के ऊपर 6 महीने 1 साल की भी वेटिंग है। और आज हमारे पास है डीजल ऑटोमेटिक हार्ड टॉप मॉडल महिंद्रा थार। और ऐसी इसकी कुछ की आती है, बिल्कुल बेसिक की है। इसके अंदर लॉक एंड अनलॉक का सिर्फ फीचर है, जबकि ये टॉप मॉडल है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की। तो इस गाड़ी के ऊपर मॉडिफिकेशंस काफ़ी टेस्टफुली करा रखी है इसके ओनर ने। जो जो उनको नीड लग रही थी सिर्फ वही मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं, जबकि इसके ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए तक की मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं अभी। और हमें बाहर से ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस दिख नहीं रही होंगी, लेकिन इसके इंटीरियर में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। अब बात करते हैं बाहर की। तो जैसे आप देख सकते हो, इसके अंदर आफ्टर मार्केट रैंगलर वाली इसके अंदर हेडलाइट्स लगी हुई हैं, आफ्टर मार्केट ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर रैंगलर वाली। इसके बाद नीचे इसके अंदर अजूम वाले प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं विद HID। और ये जो आफ्टर मार्केट लाइटें हैं रेंगुलर वाली, इसका एक ये वेलकम फंक्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ब्लू लाइट जली और इसकी ये हेडलाइट्स भी ऑन हो गई हैं डबल टैप करने के बाद। और अब ये नॉर्मल हो गई हैं जैसे हेडलाइट जलती हैं। अंडर बॉडी पूरी किट लगी हुई है बिमरा 4x4 से, और रूफ लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। जैसे आप देख सकते हो ये भी इन्होंने बिमरा 4x4 से लगवाई है। और लाइट ऑन करने के बाद ऐसा कुछ इसका थ्रू आता है जो ये ऊपर रूफ लाइट लगी हुई है। इसका जो नंबर है ये काफ़ी ख़ास है, क्योंकि इनके जो ओनर हैं उनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं तो उनके पास सेम ही नंबर है, ये 7272। इनके ओनर के पास फॉर्चुनर है और एक किया सेल्टोस है। अगर आप लोग चाहते हो मैं उनकी भी वीडियोज़ बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अब मैं आपके लिए वो वीडियोज़ भी ले आऊँगा। अब बात करते हैं इसके पीछे चल के कि इसमें पीछे से क्या मॉडिफिकेशंस हो रखी है। हमने सामने से तो इसकी बात कर ली। जैसा पीछे से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो नहीं रखी हैं, बस इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट। और ये ऑटोमेटिक है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसकी बैजिंग यहाँ पर है। और इस गाड़ी के ऊपर सिरेमिक हो रखी है, जैसे कि ये ब्लैक कलर है तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है धूप में, तो इसके अंदर इसके ओनर ने इस पर सिरेमिक की करा रखी है। मैं प्रेफर करता हूँ आप लोगों को कि PPF कराओ ब्लैक कलर पे, वो ज़्यादा सक्सेस होता है। सिरेमिक इतना अच्छा नहीं होता, 25,000 तक की सिरेमिक आपको मार्केट में मिल जाएगा। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में तो जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर थार की बैजिंग है, यहाँ पर भी थार की बैजिंग है, और यहाँ पर 4x4 की बैजिंग है। जैसे कि ये गाड़ी 4x4 में आती है, और इसमें 18 इंचज़ के MRF के और C8 के टायर्स आते हैं। इनको MRF के टायर मिले हैं और ये 80 Tyrant टायर हैं। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर ये पूरा रबर कोटेड पेंट हो रखा है ये गाड़ी में, पूरा लेदर। इसमें कहीं पर भी लेदर का यूज़ नहीं है इस गाड़ी में कहीं पर भी। और ये इसमें हाइड्रोडिप हो रखा है पियानो में, ऐसी ये पहले कंपनी से आती नहीं है। ये इसमें कुछ सीट कवर्स लगे हुए हैं, और गाड़ी के अंदर काफ़ी पियानो ब्लैक हो रखा है। जितना भी इसके अंदर इंटीरियर था वो पूरा पियानो ब्लैक। और ऐसे कुछ इसमें 70 mats है। हम अब थार के इंटीरियर में आ गए हैं, और जैसे आप देख सकते हो इसका कंपनी से ये बिल्कुल ऐसा नहीं आता है, ये सिर्फ प्लेन कलर में आता है। और इसके अंदर पूरा इंटीरियर हो रखा है, छत से लेके सीट कवर से लेके एम्बिएंट लाइट। और ये मर्सिडीज स्टाइल के इसमें AC वेंट्स लगे हुए हैं। और ये गाड़ी पूरी ये यहाँ से हाइड्रोडिप्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पियानो में है, पियानो हाइड्रोडिप। और ये पूरा पार्ट पेंट हो रखा है, इसमें लेदर का काम डोर्स पे नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर ये एम्बेड लाइट लगी हुई है, KD K3 लगी हुई है शायद ये। और ये जो इसके AC वेंट्स है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अब बात करते हैं इसके कंपनी फिटेड, तो भाई कंपनी फिटेड इसके अंदर ये स्टीरियो आता है, तो भाई ने ये सेम ही रखा है, इसको चेंज नहीं कराया है। और पीछे गाड़ी में आर्मरेस्ट लगा हुआ है, प्लस इसके अंदर यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें एक यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, और ये पीछे इसके अंदर ये लगा हुआ है पूरा। और ये इसमें कुछ आर्मरेस्ट पीछे भी लगवाए हुए हैं। अब बात करते हैं स्पीकर्स की, तो कंपनी से सिर्फ ये 4 स्पीकर्स आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर 2 स्पीकर्स आते हैं। अब कंपनी फिटेड स्पीकर्स की क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है इसके अंदर, और इसके अंदर आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट भी लगा हुआ है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हाइड्रोडिप्ड हैं, जैसे आप ये देख सकते हो ये भी हाइड्रोडिप्ड है, ये भी हाइड्रोडिप्ड है। और इस गाड़ी को 1 हफ्ते तक हमने छोड़ा था जब ये नए लेके आए थे, तो तभी इन्होंने इसके अंदर ये मॉडिफिकेशंस कराई थी।
और ये दिल्ली से ही कराई थी मॉडिफिकेशन इसके अंदर सारी चीजें। इस गाड़ी के अंदर आपको मिरर्स मिल जाएंगे लेकिन इसके अंदर फोल्डेबल मिरर्स नहीं है। और यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ करके, जैसे मैंने बटन दबाया तो यहाँ पर ट्रैक्शन इसका ऑफ हो गया है। और हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन इसके अंदर है, ये आप देख सकते हो। गियर लीवर्स की बात करें तो जैसे कि जो नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो इसका आता है ये वो है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। इसके अंदर कोई भी स्पोर्ट्स मोड भी नहीं है जैसे कि और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में स्पोर्ट्स मोड होता है। और खास बात है कि इसकी पावर विंडोज आपको मिडल में मिलती हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मिडल में पावर विंडोज है। और ये कुछ इसका 4x4 का इसका लीवर ऐसे आता है, 2 हाई 4 हाई, न्यूट्रल और 4 लो। इसको प्रेस करके आप इसको कोई भी गियर में लगा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको 4x4 में लगाया तो यहाँ पर इसमें 4x4 की लाइट आ गई है, या 4 हाई में है गाड़ी। इनको मैं आपको तभी ही आपको यूज करके दिखा पाऊंगा जब हम कहीं पे भी ऑफ रोड पे आपको इस गाड़ी को चला के दिखा पाएंगे। बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की, तो ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर आता है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये भी इसके अंदर ग्लॉसी ब्लैक इन्होंने करा रखा है। और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इसके इस गाड़ी के अंदर 60,000 तक इसमें इंटीरियर हो रखा है, जैसे आप देख सकते हो पूरी गाड़ी का इंटीरियर इन्होंने चेंज कराया हुआ है। और म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर मोटर कॉन्सेप्ट से लगा हुआ है, आगे DD के इसके अंदर ट्विटर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर स्पीकर्स लगे होंगे और पीछे एक इसमें सबवूफर भी लगा हुआ है। इसके हम आउटपुट की भी बात करेंगे कि 1,00,000 रुपए तक का इसके अंदर ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है मोटर कॉन्सेप्ट से। और इसकी आवाज़ भी सुनेंगे, उससे पहले मैं आपको स्क्रीन के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जो पहले वाली थार आती थी उसके अंदर कोई भी ऐसे टच स्क्रीन या एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब ये अपडेटेड स्क्रीन आई है तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ही बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आ गए हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ तो इसके अंदर ये एडवेंचर करके, एडवेंचर कनेक्ट, ये जो फ़ोन से इसकी एप्लीकेशन होती है, और ये एडवेंचर स्टैट्स भी आ जाते हैं जैसे कि क्या पावर है, कौन से एंगल पर गाड़ी खड़ी है, कितना टॉर्क दे रही है। और ऑफ रोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑफ रोड पे इसके सारे जो डायमेंशंस आते हैं, बेसिकली ये गाड़ी पूरी ही ऑफ रोड के लिए बनी हुई है। 4x4 में ये गाड़ी आती है और मैं तो कहूँगा कि ये 2-सीटर ही गाड़ी है ज़्यादातर, इसमें पीछे बैठा नहीं जाता। अब चलते हैं पीछे, मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ और बूट स्पेस में जो इसमें DD का सबवूफर लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है, चलिए चलते हैं। महिंद्रा थार में वैसे ही इतनी कम स्पेस आती है और ऊपर से इन्होंने इसके अंदर DD का ये सबवूफर लगाया हुआ है, ये देख सकते हो आप कि इसमें इतनी ही स्पेस थी और इतने में ही इन्होंने कि सबवूफर लगवा लिया। छोटा सा सबवूफर है लेकिन इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा आता है इस गाड़ी के अंदर। और स्टॉक ही टायर इसके अंदर सारी चीज़ें स्टॉक है। चलते हैं अब इसके म्यूज़िक सिस्टम को सुनने। ऐसा कुछ इस गाड़ी का आउटपुट था और काफी बढ़िया आउटपुट, मैं कहूंगा कि 1,00,000 के हिसाब से काफी अच्छा आउटपुट आ रहा है इस गाड़ी में। जैसे ही इन्होंने 1,00,000 रुपए इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पे ही सिर्फ खर्चे हैं। और अंदर से बैठ के काफ़ी प्रीमियम ये गाड़ी अब लग रही है, जैसे इसमें काम करा रखा हाइड्रो डिप वगैरह, नहीं तो कंपनी से बिल्कुल बेसिक गाड़ी ही आती है ये। 18,00,000 रुपए की गाड़ी है और आप सबको पता ही होगा महिंद्रा थार के बारे में। और जल्द ही इसकी ऑफ रोडिंग की वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डिमांड में है आजकल, जबकि इसके अंदर टॉप मॉडल में भी पुश स्टार्ट बटन का फीचर नहीं आता है, सिंपल इसमें कीज आती है। ये क्योंकि बिल्कुल रो गाड़ी है, ये सिर्फ 4x4 के लिए गाड़ी लोग खरीद रहे हैं और अब इसको हम सिटी में भी चला सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी प्रीमियम भी हो गई है। एवरेज की बात करें तो ये 9 से 10 की एवरेज दे देती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।